हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं एक्सेल के बेसिक टू एडवांस वो सारे शॉर्टकट की जिसका यूज करके आप माउस का यूज करना कम कर दोगे। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो तो माउस पैड का यूज करना बिल्कुल ही बंद कर सकते हो। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, शॉर्टकट कीज मेरे पास इतनी सारी लिखी हुई है तो मैं आपको वन बाय वन ये सारी शॉर्टकट कीज सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिसके थ्रू आप सारी शॉर्टकट कीज इजीली तरीके से सीख सको। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास शॉर्टकट आती है कंट्रोल के साथ डाउन बटन टू एंड रो। अगर मान लो हमारे पास, मैं सबसे टॉप रो पे हूँ, अगर मुझे सबसे एंड रो पे जाना है तो आपको माउस का यूज नहीं करना, कंट्रोल दबाना है और वन टाइम आपको डाउन एरो बटन का यूज करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सबसे लास्ट रो पे आ जाओगे। सबसे टॉप रो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो बटन को दबाना है, आप सबसे टॉप रो पे आ जाओगे। अगर आपको सबसे लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो को प्रेस करना, आप सबसे लास्ट कॉलम पे आओगे। फर्स्ट कॉलम पे आना है अगर आपको तो कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो आप पहले कॉलम पे आ जाओ। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग की मैंने चार आपको शॉर्टकट कीज बताई है जिसका आपने यूज करा है। ठीक है दोस्तों, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ जिसके थ्रू मुझे पता चल सके कि मैं कौन कौन से शॉर्टकट कीज बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल के साथ 9 हाइड्रो। तो इसका यूज कैसे करना है, मेरे पास शीट वन पे डाटा है तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे सीपीयू पे क्लिक करा, कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस करा तो मेरा जो सीपीयू का रो था वो हाइड हो चुका है। अब कीबोर्ड पे है, कीबोर्ड पे क्लिक, कंट्रोल के साथ 9, हमारा ये भी रो हाइड हो चुका है। अगर मुझे कॉलम को हाइड करना है, मान लो मुझे राइट रेट का जो कॉलम है हमारे पास इसको हाइड करना है तो क्लिक, कंट्रोल के साथ 0 दबाना, आपका ये कॉलम हाइड हो जाएगा। अब आपको ये चीजें वापस चाहिए तो वापस लाने के लिए हमारे पास रो को वापस लाने के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट 9 बटन को दबाओगे तो आपका जो रो है वो वापस आ जाएगा। अगर आपको कॉलम वापस लेके आना तो पहले आप एरिया को सेलेक्ट कर लेना, ऑल्ट बटन के साथ OCU बटन दबाना तो जितने आपने कॉलम हाइड करे होंगे वो सारे के सारे कॉलम आपके इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका होता है कॉलम और रोज हम किस तरीके से हाइड करते हैं और उसको किस तरीके से हम अनहाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल पेस्ट डाउन नेक्स्ट शीट। एक्सेल पे चलते हैं, अभी मैं कौन सी शीट पे हूँ, यहाँ पे शीट वन, मुझे जाना है शीट 5। कंट्रोल के साथ आप पेस्ट डाउन बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो शीट होगा वो चेंज होता चला जाएगा। आपको प्रीवियस शीट पर जाना है, कंट्रोल के साथ पेज अप बटन को दबाना, आप प्रीवियस शीट पर आ जाओ। तो ये होता है आपके पास शीट्स को चेंज करने की शॉर्टकट, कंट्रोल के साथ पेज डाउन नेक्स्ट शीट, कंट्रोल के साथ पेज अप प्रीवियस शीट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एंड आउटसाइड बॉर्डर। अब मान लो शीट 2-3 के ऊपर मेरे पास एक डाटा तैयार है लेकिन इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अगर मुझे पूरी शीट के अंदर, पूरे डाटा के अंदर सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो आउटसाइड बॉर्डर लगाने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एंड। इस तरीके से आपके टेबल में आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर के अलावा पूरी टेबल के अंदर अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो एक बार और आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, ऑल्ट बटन के साथ HBA दबा दो, आपके पास जो है ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब आप चाहते हो मुझे एक भी बॉर्डर नहीं चाहिए, ना आउटसाइड चाहिए ना ऑल बॉर्डर चाहिए, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस बटन दबाना है तो आपका सारा का सारा बॉर्डर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे दोस्तों तीन शॉर्टकट्स बताए, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ऑल बॉर्डर कैसे लगाते हैं और बॉर्डर को रिमूव कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल के साथ टाइल बटन शो फार्मूला। अगर आपने शीट में फार्मूला लगाया हुआ है तो शीट वन पे मेरे पास है डाटा, इसमें मैंने फार्मूला लगा रखा है, फार्मूले को शो कराना है तो कंट्रोल के साथ टाइल बटन को प्रेस करना है तो जहां कहीं भी आपने फार्मूला लगाया होगा वो सारे फार्मूले आपके डिस्प्ले इस तरीके से हो जाएंगे।
वापस हटाना है, कंट्रोल के साथ टाइल बटन दबाना, वापस ये फॉर्मूला जो शो कर रहा था वो आपका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको भी पहले हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है बॉटम टू टॉप, कंट्रोल बटन के साथ सिर्फ 8 दबाना है। 8 के साथ मैंने लिखा है न्यूमेरिकल बटन, यहाँ पे जो आपको दबाना है न्यूमेरिकल बटन का यूज करना है, अल्फाबेटिक के ऊपर जो नंबर्स है आप उनका यूज नहीं करोगे। तो मैं इस शीट 3 पे आता हूँ, मैं अभी 45 पे हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के 2 बटन को दबाना है। 2 से क्या होगा, मैं लास्ट वाले 45 पे पहुंच जाऊंगा। अब मुझे 85 पे जाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट 6 बटन को प्रेस करूंगा आप 85। मुझे टॉप में जाना है, 48 कंट्रोल शिफ्ट 8 बटन को दबाना 48, कंट्रोल शिफ्ट 4 बटन को दबाऊंगा वापस फर्स्ट वाले हम 48 पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका शॉर्टकट होता है किस तरीके से आप बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट किस तरीके से आप पहुंच सकते हो। और ध्यान रखना इसमें जो मैंने न्यूमेरिकल यूज करा है वो नंबर वाला है, आप यहाँ पे अल्फाबेटिक वाला नंबर यूज नहीं करोगे। अब आता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस 8, सिलेक्ट ऑल डाटा। यहाँ पे जो मैंने 8 लिखा है अल्फाबेटिक वाला आपको 8 दबाना है। अगर मैंने यहाँ पे 85 पे क्लिक कर रखा है लेकिन अब मुझे पूरे टेबल सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट 8 बटन को दबाना, आपका जो पूरा का पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों दोस्तों, है ना बेहतरीन शॉर्टकट्स, इनका यूज करके आप अपने काम को और भी कम टाइम में कर सकते हो। इसमें आप माउस का यूज भी नहीं करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को एक्टिव सेल। इसका मतलब ये है कि अभी मैं इस 65 पे हूँ और गलती से स्क्रॉल हो जाता है यहाँ से पेज, या मैं और नीचे चला गया, पोजीशन चेंज हो गई। अब मेरा डाटा कहाँ है, मैं किस सेल पे था, मुझे कुछ नहीं पता। तो कुछ नहीं करना, कंट्रोल दबाना है, बैक स्पेस दबा देना जहाँ पे आपका कर्सर रखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ ओनली स्पेस सेलेक्ट कॉलम। मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊंगा तो पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे रो सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाऊंगा तो पूरी की पूरी यहाँ पे हमारी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ओनली शिफ्ट दबाओ या कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप स्पेस का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है मैंने ऑल्ट के साथ OCA, ऑटो कॉलम फिट। ऑटो कॉलम फिट का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे लिखा रमेश कुमार शर्मा। अब यहाँ पे कॉलम से बाहर जा रहा है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप कर चुका है। मैं चाहता हूँ कि एक ही कॉलम में ये हमारा फिट हो जाए, एडजस्ट हो जाए। आपको यहाँ पे शॉर्टकट यूज करनी है ऑल्ट बटन के साथ OCA, ऑटो कॉलम फिट बोलते हैं हम इसको। ठीक है दोस्तों, अब मान लो आपको ऑटो कॉलम नहीं करना, उसी रो में एडजस्ट करना है, तो आपको लिखना है रमेश, आप यहाँ पे टाइप करोगे रमेश, ऑल्ट के साथ एंटर दबाना, फिर लिखोगे कुमार, फिर ऑल्ट के साथ एंटर, फिर लिखोगे आप यहाँ पे शर्मा। तो इस तरीके से आप एक ही रो के अंदर भी इस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। रैप टेक्स की शॉर्टकट होती है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रैप टेक्स, इसकी शॉर्टकट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्टकट आती है वो है ऑल्ट के साथ इक्वल ऑटो सम। अब मान लो अगर हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें शॉर्टकट में क्या करना है, यहाँ पे आंसर निकालना है, तो आप नीचे रखो ऑल्ट के साथ इक्वल बटन को दबाओ, आपका फॉर्मूला कैलकुलेट, एंटर मारो, आंसर आ जाएगा। ऑल्ट के साथ इक्वल देन एंटर, कितना शॉर्टकट है आपका। आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको सीधा ऑल्ट बटन के साथ एंटर बटन दबाना है और आपका फॉर्मूला निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका ऑटो सम करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल के साथ इक्वल सेम फॉर्मूला डाउनवर्ड कॉपी। अगर मैं यहाँ पे हमारे पास डाटा है, मैंने क्या काम करा, यहाँ पे इस डाटा को मैंने एक तरीके से अभी डिलीट कर दिया, तो मैं यहाँ पे गया कंट्रोल के साथ मैंने इक्वल बटन को दबाया, तो इसने क्या करा, जो ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है उसी फॉर्मूले को हमें डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, लेकिन कंट्रोल सिर्फ इक्वल दबाऊंगा तो जो ऊपर वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू को क्या करेगा, ये नीचे डिस्प्ले कर देगा, चाहे आपने फॉर्मूला लगाया हो चाहे आपने ना लगा। अगर आप कंट्रोल के साथ इन्वर्टेड कोमा प्रेस करते हो, डबल कोमा, तो आपके पास क्या दिखाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा अगर आप प्रेस करते हो तो आपको वैल्यू दिखाएगा, कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करते हो तो आपको फॉर्मूला शो कर देगा, अगर ऊपर फॉर्मूला है, जैसा आपके ऊपर वाले सेल में लिखा होगा एज इट इज वो ऐसे ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट आता है, इसमें मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन करंट डेट को डिस्प्ले कराता है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो यूज करके देख लेते हैं। चलो आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, सेमी कॉलन बटन दबाना है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा करंट डेट दिखा रहा है, आज हमारी डेट है क्या। अगर मैं यही काम कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन दबाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ टाइम दिखाएगा, करंट में टाइम हो क्या रहा है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके शॉर्टकट्स होते हैं, किस तरीके से आप टाइम और डेट को इंसर्ट कर सकते हो बिना फॉर्मूले यूज करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल के साथ 5 स्ट्रिक थ्रो। अब मान लो मैंने यहाँ लिखा हुआ हमारे पास प्राइस, पहले जो प्राइस था 999 था, अब जो प्राइस है 555 है। अब ये प्राइस तो रहा नहीं हमारे पास, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन के साथ, सॉरी कंट्रोल बटन के साथ ओनली 5 बटन को प्रेस करना है, तो इस तरीके से आपका स्ट्रोक साइन का, स्ट्रिक थ्रो का साइन अप्लाई हो जाएगा। इतने इजी शॉर्टकट्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपके बड़े यूजफुल हैं, और जिसका यूज करके आप माउस का काम तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, और आपका काम भी आसान हो जाएगा, और आपकी जो टाइम की सेविंग है वो भी आपकी बहुत सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल को सिलेक्ट करके पहले हाईलाइट कर देता हूँ, इसका काम होता है चेंज करेंसी। अब मैंने यहाँ पे लिखा 650, मुझे इसकी करेंसी चेंज करनी है, तो क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का साइन प्रेस कर देना, डॉलर का साइन आ जाएगा। लेकिन हम तो इंडिया करेंसी में यूज़ करते हैं, तो रुपीज़ चाहिए मुझे, तो आपको कुछ नहीं करना, इस सेल पे क्लिक करके रखो, इस ऑप्शन पे जाना नंबर्स पे, और नंबर्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है डॉलर का, आप यहाँ से रुपीज़, इंडियन रुपीज़ का सिंबल आएगा, उसको आप सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, इंडियन रुपीज़ को सर्च करते हैं पहले थोड़ा डाउन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इंडियन रुपीज़ को ढूंढना है और उसे फिल कराना है। यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है RS इंग्लिश इंडिया, क्लिक देन ओके। तो यहाँ पे हमारे पास RS लिखा हुआ आ जाएगा, इंडिया करेंसी में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज। अब मान लो आपको एक पूरी की पूरी कॉलम के अंदर परसेंटेज अप्लाई करना हो, तो आप क्या करोगे, बार बार आपको शिफ्ट लगाना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का साइन दबाओ, और आप कोई भी नंबर टाइप करोगे, आपके पास परसेंटेज आता हुआ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपके पास परसेंटेज को अप्लाई करने का शॉर्टकट। इसके बाद आता है यूनिक नेम लिस्ट, ऑल्ट के साथ में जैसे ही लिस्ट, आप लोगों ने सुना होगा लिस्ट तैयार करना, तो लिस्ट बनाने के लिए आप डाटा में जाते हो, डाटा वैलिडेशन में जाते हो, वहां से लिस्ट बनाते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे नेम्स की लिस्ट तैयार करनी है जितने भी आइटम्स ये लिखे हुए हैं। तो मैं सीपीयू पे गया, ऑल्ट बटन के साथ मैंने डाउन एरो बटन को प्रेस किया, इस तरीके से मेरे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। किसी भी आइटम पे क्लिक करके प्रेस करो तो आपके पास पूरी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। इसी के नीचे अगर आप ब्लैंक शीट पे भी क्लिक करते हो तो फिर भी आपके पास लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आता है फिल्टर अप्लाई, फिल्टर अप्लाई कंट्रोल सिर्फ एल बटन को दबाएंगे तो हमारे पास क्या अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे फिल्टर
फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। हमें शॉर्टकट अगर फिल्टर लगाना है, कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ, एल बटन को दबाओ। इस तरीके से आपका फिल्टर अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ से फिल्टर को लगा सकते हो और देख सकते हो। आपको हटाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल बटन दबाना, आपका फिल्टर वापस रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आता है कंट्रोल एंटर, सेलेक्ट एरिया सेम वैल्यू अप्लाई इन वन टाइम। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे क्या काम करा, एरिया सेलेक्ट किया और फर्स्ट रो में मैंने कुछ टाइप कर दिया। मैंने लिखा यहाँ पे रोहन, मुझे हर जितना एरिया मैंने सेलेक्ट करा है उस एरिया में मुझे हर जगह रोहन टाइप करना है। कंट्रोल दबाओ, एंटर बटन को दबाओ, ऑटोमेटिकली आपका एक सिलेक्टेड सेल के अंदर सेम नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आता है F4 लास्ट एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही यूजफुल है। अब मान लो मैंने इस रोहन को यहाँ से रेड किया। अब मुझे अब बीच बीच में किसी सेल को रेड करना है, तो कुछ नहीं करना, क्लिक करो, F4 बटन दबा दो। ये देखो, इस तरीके से आपका जो भी लास्ट एक्शन अप्लाई हुआ हो, अगर मुझे मान लो मैंने इस वर्ड को बोल्ड करा, तो लास्ट एक्शन क्या हुआ है मेरा, बोल्ड। तो ये भी बोल्ड करके दिखाया। ये बहुत ही इजी शॉर्टकट्स हैं जो आपके बड़े यूजफुल हैं, इनका यूज कर सकते हो आप लोग। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आता है हमारे पास वो है ऑल्ट के साथ WFF फ्रीज पैन अप्लाई। फ्रीज अगर हमें लगाना हो, जैसे ये डाटा है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे को सारी नेम ऑफ आइटम की लिस्ट फ्रीज करनी है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लास्ट कॉलम रो पे क्लिक करना, आपको क्या करना है ऑल्ट के साथ WFF प्रेस कर देना। इस तरीके से आपका ये फ्रीज लग चुका है। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था, तो मैं अभी कहीं पर भी जाऊँगा तो ये जो डाटा है हमारे पास इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। आपकी हेडिंग कहीं नहीं जाएगी, आपकी हेडिंग यहीं पे डिस्प्ले कराएगी। हटाना हो तो वापस ऑल्ट WFF, तो इस तरीके से आपका फ्रेज पैन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट आते हैं हमारे पास कंट्रोल ई फ्लैश फिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और बहुत ही शॉर्ट में आपका काम करके आपको ये प्रेजेंट करती है। ठीक है दोस्तों, तो Sheet 4 में मैंने इसके लिए एक डाटा तैयार कर रखा है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है राजकुमार, कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर है इंडियन कोड के बेस पे, और यहाँ पे भी कुछ नाम है और यहाँ पे भी कुछ नाम हमने लिखे हुए हैं। अब मान लो मैंने पास यहाँ राजकुमार लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा ओनली राज, एंटर मार दिया। अब मुझे नाम वापस फर्स्ट नेम ही सिर्फ प्रिंट कराने हैं। आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ ई बटन को दबाओ, सारे नाम ऑटोमेटिकली वो रीड कर लेगा। ये फॉर्मूला इतना इजी है और इतना यूजफुल है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कुमार, तो ये मैंने क्या करा है, कुमार सरनेम डाला है, तो ये भी क्या करेगा, सबके सरनेम को यहाँ पे फिल करके प्रेजेंट कर देगा। अब मुझे यहाँ पे एसटीडी कोड नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, मैंने सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर लिखा 52, वापस कंट्रोल ई दबा दिया, तो सबके एसटीडी कोड को रिमूव कर देगा। अगर मैंने यहाँ लिखा नेम का फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे कंट्रोल ई दबाओ, ये भी सबके क्या करेगा, नेम के फर्स्ट लेटर को ही डिस्प्ले करेगा, बाकियों को डिस्प्ले नहीं करेगा। सेम थिंग यहाँ पर भी, आपकी कंट्रोल के साथ ई, सरनेम के अगर मैंने फर्स्ट लेटर ही लिखा है तो फर्स्ट लेटर को ही डिस्प्ले करके हमें ये शो करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शॉर्टकट आते हैं हमारे पास शिफ्ट के साथ F2 कमेंट बॉक्स। आपको किसी सेल में कमेंट लगाना है, आप उस पर क्लिक करो, शिफ्ट के साथ F2 दबाओ, आपके पास कमेंट बॉक्स आ जाएगा। दिस क्यूट नेम इज, ठीक है, इस तरीके से किसी भी सेल पे आप क्लिक करके शिफ्ट के साथ F2 दबाओगे तो आपका कमेंट बॉक्स अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास F2 एडिट सेल। किसी सेल में अगर मुझे एडिट करना हो, चेंज करना हो बिना माउस के, तो हमें क्या करना है, उस सेल पे क्लिक करना, F2 बटन को प्रेस कर देना। F2 बटन को प्रेस करने के बाद तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे आगे चेंज करना हो तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है होम की। होम से क्या होगा, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और एंड बटन से क्या होगा, आप लास्ट पे पहुंच जाओगे। बीच में आने के लिए कीबोर्ड में एरो बटन का यूज करना
पड़ेगा। तो ये होता है आपका F2 बटन का यूज, किस तरीके से आप सेल के अंदर एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल डी, डुप्लीकेट वैल्यू हो या फॉर्मूला हो आपका, किसी भी चीज़ को आपका ये डुप्लीकेट करके आपको प्रेजेंट कर देगा। जैसे कि हमारे पास ये है, तो मैंने क्या काम करा, नीचे तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबा दिया। अभी इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे इसने जीरो दिखा दिया। मैं यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल डी। अब यहाँ पे वैल्यू थे तो इसने क्या काम करा, यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले कराया। अब मैं इसका यूज़ करूँगा कंट्रोल डी से, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारे पास ये आंसर दे देगा। तो ये होता है आपका कंट्रोल डी का यूज। फिर आता है कंट्रोल के साथ डाउन बटन, सेलेक्ट एक्टिव सेल डाउन की तरफ। इन केस अगर मान लो आप इस अमाउंट पे हो, आपको बिल्कुल बॉटम में जाना है, तो कंट्रोल के साथ डाउन बटन दबाना, बिल्कुल बॉटम पहुंचोगे, आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। कंट्रोल के साथ अप दबाओगे ऊपर, लेफ्ट दबाओगे लेफ्ट साइड में, डाउन दबाओगे डाउन में, और राइट दबाओगे तो राइट साइड में। इस तरीके से आप इन कीज का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस इंसर्ट रो एंड कॉलम। अगर आपको एक्सेल में कोई कॉलम इंसर्ट कराना हो, कोई रो इंसर्ट कराना हो, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। यहाँ पे आपको क्या इंसर्ट करना है, अगर मान लो मुझे रो इंसर्ट करना है टॉप में, तो यहाँ पे इंटायर रो करेंगे, देन ओके, आपका जो रो इंसर्ट हो जाएगा। और मुझे क्वांटिटी और नेम के बीच में कॉलम चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना है, तो आप यहाँ पे इंटायर कॉलम करोगे तो आपका एक कॉलम भी इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है, कंट्रोल माइनस दबाओ तो पूछा जाएगा, तो इंटायर कॉलम कर दो, देन ओके। रो डिलीट करना है, कंट्रोल माइनस कर दो, इंटायर रो कर दो, आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आता है हमारे पास कंट्रोल आर राइट फिल डाटा, इसका मतलब ये है कि राइट साइड में डाटा को ये फिल करके प्रेजेंट करता है। जैसे कि मेरे पास ये डाटा लिखा हुआ है, मैंने राइट साइड में सिलेक्ट करा, कंट्रोल आर दबा दिया, तो सेम डाटा इसने क्या करा, यहाँ पे फिल करके डिस्प्ले करा दिया। नीचे की तरफ कराना होता है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, और मुझे अगर राइट साइड में कराना हो तो कंट्रोल आर दबाएंगे, तो हमारा राइट साइड में डाटा फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट के साथ F11। इसका काम होता है न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करा देना, शिफ्ट F11 दबाना, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे शीट इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आता है हमारे पास कंट्रोल के साथ F4, क्लोज विंडो। क्लोज विंडो का काम क्या होता है, जिस वर्कबुक पे हम काम कर रहे हैं सिर्फ वही बंद होगा हमारा, लेकिन यहाँ पे एक और शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल F9, विंडो हमारी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या दबाता हूँ, कंट्रोल के साथ F9 दबा देता हूँ, तो मेरी जो थी वर्कबुक यहाँ पे मिनिमाइज हो गई, देखा आपने। नेक्स्ट हमारे पास आता है F11 चार्ट इंसर्ट सिलेक्टेड डाटा। अगर मुझे चार्ट को इंसर्ट कराना है तो मैं डाटा को सिलेक्ट करूँगा, F11 बटन को प्रेस करूँगा, तो मेरा चार्ट बनके तैयार हो जाएगा। के कुछ शॉर्टकट्स थे बेसिक टू एडवांस जो मैंने आपको सिखाए, आई होप आपको ये सारे शॉर्टकट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।